कन्नौज के अलावा कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कानपुर, नोएडा, सूरत, मुंबई और तमिलनाडु के डिंडीगल में भी छापेमारी की गई है। तो कई और शहर, कई और राज्य, अलग अलग जगहों पर जहां पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें आपको हम बता रहे हैं लगातार कि तमिलनाडु के डिंडीगल, नोएडा, कानपुर, सूरत, मुंबई, सभी जगहों पर इस वक्त अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है और छापेमारी जारी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी आयकर विभाग अलग अलग जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त छापेमारी कर रही है। कन्नौज का अपडेट आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और शहरों का नाम सामने आ रहा है जहां पर एक साथ छापेमारी चल रही है। देखिए, चार प्रदेशों में छापेमारी चल रही है पुष्पराज जैन के यहाँ। उत्तर प्रदेश में चल रही है, अहमदाबाद में चल रही है, माफ कीजिएगा, सूरत में चल रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु के डिंडीगुल में। तो चार प्रदेशों में पुष्पराज जैन के घर छापेमारी चल रही है। संजय त्रिपाठी का हम सीधा रुख कर लेते हैं। संजय, कोई और ज्यादा अभी कोई ताजा जानकारी मिल रही है, कोई और नया अपडेट? देखिए, लगातार जैसे ही छापेमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, नए नए शहर, नए नए प्रदेशों के नाम सामने आ रहे हैं। और अभी कन्नौज में मालूम चला है कि लगभग 2 दर्जन टीमें हैं आयकर विभाग की, जो दोनों इत्र कारोबारियों के यहाँ छापेमारी, कंपी जैन के यहाँ भी और जो दूसरे इत्र कारोबारी हैं, दोनों के यहाँ लगातार छापेमारी जारी है। और साथ ही साथ कानपुर में जो रिहायशी जगह है पंपी जैन की, वहाँ पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुँची हैं। साथ ही साथ जो दायरा है वो मान के चलिए श्रीन अभी और बढ़ेगा। अभी जैसे इनपुट मिलना शुरू होंगे, नई नई जगहों के बारे में जानकारी आएगी, वहाँ सभी जगह टीमें पहुँचेंगी। ये जो हमारे आयकर विभाग के सूत्र हैं, उनका दावा है कि जब CGST की टीम ने शिखर पान मसाले और पीयूष जैन पर छापेमारी की थी, तो उसके बाद पीयूष जब नाम पंपी जैन का सामने आया था, तो उसके बाद पंपी जैन ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क किया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जाते हैं कि मुंबई में रहते हैं, उनसे बातचीत की और जो भी अपना कन्वर्सेशन हुआ हो, इसके तमाम इनपुट मिले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और चूंकि पहले नाम पंपी जैन का आया था और ये बात खारिज हो गई थी कि पंपी जैन के CGST के छापे नहीं पड़े हैं, तो अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके परिसरों में पहुंचा है, तो ये मान के चले कि होमवर्क बहुत तगड़ा होगा, जानकारी पूरी होगी, टैक्स डिविजन की सूचनाएं हैं वो पुख्ता होंगी। तो इन सारी चीज़ों पर उनके वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ कागजात मिले हैं टैक्स इवेजन से जुड़े हुए, उनको खंगाला जा रहा है और आगे कार्रवाई चल रही है धीरे धीरे जैसे जैसे समय। जी संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए। और ये जो कार्रवाई पुष्पराज जैन पर और इतर कारोबारियों पर चल रही है, इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। चार प्रदेशों के अलग अलग ठिकानों पर, 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ABP News, आपको रखे आगे।